गुड आफ्टरनून बच्चों, तो मैं आज आप लोग को एसएसटी का ऑक्यूपेशन लेसन लास्ट क्लास में फार्मिंग तक हो गया था, तो आज मैं आप लोग को कैटल रेयरिंग से पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ऑक्यूपेशन क्या होता है उसके बारे में सिखाया, फिर फार्मिंग के बारे में सिखाया, फार्मिंग क्या होता है, कौन कौन सा फार्मिंग होता है। तो आज है आप लोग को कैटल रेयरिंग, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कैटल रेयरिंग। तो कैटल रेयरिंग का मतलब होता है पशुपालन, आप लोग को पता होगा। जैसे हम लोग, आप लोग देखा भी होगा, जैसे किसी कोई कोई लोग ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा सा वो बुल यानी कि काऊ ये सब ज़्यादा एक साथ पालते हैं, बफेलोस गॉट्स ये सब, तो उसे बोलते हैं क्या, कैटल रेयरिंग यानी कि पशुपालन। कैटल रेयरिंग इज एन ऑक्यूपेशन व्हिच डिपेंड्स ऑन फार्मिंग, ये भी किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, फार्मिंग के ऊपर। कैटल रेयरिंग जो होता है पशुपालन, यानी कि पशुपालन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जैसे घास, और उन लोगों के लिए घास नहीं होने से ये पशु जितना भी जीव जंतु है क्या खाएगा, तो इसके लिए क्या जरूरी है, किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, फार्मिंग के ऊपर। कैटल्स आर फीड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड्स, तो ये इसको रखने के लिए हम लोग तो जैसे भैंस बकरी ये सबको हम लोग घर में नहीं रख सकते हैं, तो उसे ये सबको रखने के लिए हमें फील्ड से ही होता है, हम लोग खेती में लेके जाते हैं उन लोग को रखने के लिए, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए उसे कहाँ में रखना है, फील्ड्स में। कैटल्स लाइक काउस बफेलोस एंड गॉट्स, तो मैंने अभी आप लोग को थोड़ा देर पहले बोला था पशुपालन जैसे भैंस बकरी, तो इसमें भी ये मेंशन हुआ लिख है कि लाइक क्या है, काउ यानी कि गाय, बफेलोस भैंस एंड गॉट्स, तो एंड गॉड्स गिव आस मिल्क, तो ये सब जो काउ है गॉड्स है बफेलोस है ये हमें क्या देता है, मिल्क देता है, दे गिव अस मिल्क। दे आर रेयर्ड ऑन बीइंग फार्म्स, दिस इज कॉल्ड डायरी फार्मिंग, तो ये सबको हम लोग कहाँ में पालते हैं, फार्म में पालते हैं, तो वो फार्म को क्या बोलते हैं, डायरी फार्मिंग, मतलब डायरी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना डायरी से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है ना, हम लोग दूध लेने के लिए डायरी जाते हैं बोलते हैं, तो वो क्या है, डायरी फार्मिंग। बुल्क्स आर यूज टू ब्लॉक्स आर यूज टू पाल्क द फील्ड्स, तो हम लोग खेती में पाल्क्स मालूम है ना, जैसे हल चलाना, तो हम लोग बुल्क को क्या करते हैं, खेती में हल भी चलाने के लिए यूज़ करते हैं। मैनी फार्म्स हैव सेट अप पोल्ट्री फार्म्स, अभी पोल्ट्री फार्म्स क्या होता है आप लोग को पता है ना, जहाँ में हम लोग को मुर्गी फार्म भी बोलते हैं हम लोग लोकल भाषा में, वो उसको वो उसमें डक्स भी होता है, हैन भी होता है, तो इससे क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म्स। पोल्ट्री फार्मिंग इज डन टू गेट द एग्स एंड मीट ऑफ हैंस, तो पोल्ट्री फार्म में हमें क्या मिलता है, एग्स, वी गेट एग्स मीट ऑफ हैंस, डक्स, डक और हैन यानी हंस और मुर्गी का अंडा मिलता है, उसके अलावा मीट भी मिलता है, मतलब मांस भी मिलता है हमें, एक्सेट्रा। शीप इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एनिमल, तो शीप पता है ना आप लोग को, वो शीप जो होता है वो क्या होता है, अनदर इम्पोर्टेंट, दूसरा एक इम्पोर्टेंट एनिमल्स है, व्हिच इज़ मोस्टली रेयर्ड इन ड्राई एंड हिली एरियाज, तो जिसे हम मोस्टली हम लोग कहाँ में पालते हैं उसे, ड्राई एंड हिली एरिया, सूखा और पहाड़ी अंचलों में। आप लोग देखा होगा टीवी में कि इतना सारा शीप एक साथ चरवाहे लेके जाता है चराने के लिए पहाड़ी के किनारे में, तो ये क्या होता है, हिली एरियाज, पहाड़ी एरिया में ज़्यादा होता, मतलब अच्छा होता है उसको पालने के लिए। वी गेट ऊल फ्रॉम द शीप, तो हमें शीप से क्या मिलता है, ऊल मिलता है, स्वेटर पहनते हो ना आप लोग, तो स्वेटर बुनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऊल, तो ऊल कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है। ये आप लोग पहले भी वो एक राइम्स भी सुना होगा, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी ऊल, यस सर थ्री बैग्स फुल, तो वो
उसमें भी आप लोग छोटे टाइम में पढ़ के आया है, तो अभी आप लोग को अच्छे से पता हो गया कि शिव को क्यों उल मांगा था, क्योंकि शिव के पास ही उल मिलता है। तो नेक्स्ट हो गया फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन। ठीक, फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन मतलब उद्योग, उद्योग रिलेटेड, जिसे हम लोग हिंदी में उद्योग बोल सकते हैं। फार्मिंग रिलेटेड मतलब जैसे हम लोग ये सब फार्म करते हैं, तो अभी दूसरा भी कुछ औद्योगिक कामों के लिए भी फार्मिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फार्मिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ उसमें जीव जंतु या दूसरा कुछ हो, लेकिन और भी अलग हो सकता है, अभी इधर आप लोग को मिलेगा फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन में। फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन, देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड अपॉन फार्मिंग। तो बहुत सारा क्या है, इंडस्ट्रीज है जिसके, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फार्मिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कॉटन मिल्स, तो कॉटन, कॉटन हम लोग को कहाँ से मिलता है, मैंने आप लोग को दिखाया था फर्स्ट क्लास में, जो खेती से, जैसे ये इधर में खेती दिखाया दिया है, ऑलरेडी दिखा दिया है, कॉटन, कॉटन भी उसका भी खेती से हम लोग, फार्मिंग से ही हम लोग को मिलता है। तो फार्मिंग के ऊपर इंडस्ट्रीज जो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इंडस्ट्रीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, ढेर सारे ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री है जो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन मिल्स मेक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, तो कॉटन मिल्स जो, वो भी फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कॉटन का खेती नहीं होगा तो कॉटन कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो इंडस्ट्रीज़ को, कपड़ा बनाने के लिए, वो फार्मिंग के ऊपर। तो पहले आ गया फार्मिंग, जैसे खेती, खेती का फार्मिंग, जो कॉटन का खेती होगा तब क्या होगा, उसमें कॉटन आएगा और वो इंडस्ट्रीज लेके जाके क्या करेगा, उसमें से क्लॉथ बनाएगा, यानी कि कपड़ा बनाएगा। तो आप लोग को पता हो गया, तो कैसे इंडस्ट्रीज कैसे डिपेंड करता है फार्मिंग के ऊपर। उसके बाद आया कॉटन मिल्स मेक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, तो कॉटन मिल जो होता है जहाँ में कॉटन बनता है, तो वो लोग कॉटन से क्या करता है, कपड़ा बनाता है। टी इज सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग टी लीव्स, शुगर कैन इज यूज टू मेक शुगर एंड जेजेग्री। तो क्या हो गया, जो टी है, टी को आफ्टर प्रोसेसिंग, उसका कुछ प्रोसेस होता है, टी जो लीव्स होता है ना, आप लोग को पता है टी पत्ता होता है, जो लीव्स होता है उसको क्या करता है, मिल्स में प्रोसेसिंग करके चाय पत्ती बनाता है, उसके पत्ते से जो चाय पत्ती आप लोग जो यूज़ करते हो चाय में वो। उसके बाद शुगर कैन यूज़ टू मेक शुगर, तो शुगर कैन को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, शुगर बनाने के लिए, यानी कि चीनी बनाने के लिए। एंड जजगरी, जजगरी का मतलब होता है गुड़, गुड़, चीनी और गुड़ हमें कहाँ से मिलता है, शुगर कैन से। जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग बैग्स, और जूट क्या क्या के लिए यूज़ करते हैं, बैग बनाने के लिए। एंड रोप, कुकिंग रोप, जूट से बैग बनाता है, और रोप मतलब रस्सी, रस्सी पता है ना आप लोग को, रस्सी बनाते हैं। कुकिंग ऑयल इज मेड फ्रॉम ग्राउंड नट मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो अभी आ गया कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल कैसे बनता है आप लोग को पता होगा, कुकिंग ऑयल बनता है जो मस्टर्ड, सरसों, आप लोग सरसों जैसे जानते हो ना, उसे इंग्लिश में मस्टर्ड बोलते हैं, सरसों और ग्राउंड नट, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, मूंगफली और सनफ्लावर, सनफ्लावर पता है ना आप लोग को, वो फ्लावर सनफ्लावर। तो जो हम लोग ऑयल, कुकिंग ऑयल यानी कि कुक करने के लिए, यानी खाना बनाने के लिए जो ऑयल यूज़ करते हैं, वो कैसे बनता है, कुकिंग ऑयल जो बनता है क्या से, ग्राउंड नट से, सरसों से और सनफ्लावर से। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए कि कुकिंग ऑयल क्या क्या से बनता है, तब आप लोग को ये लिखना है, कुकिंग ऑयल मेड फ्रॉम ग्राउंड नट मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन, फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन। सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, तो सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे जगह क्या से कवर्ड किया हुआ है, किसने घेर के रखा है, थिक फॉरेस्ट यानी कि घना जंगलों से भरा है।
मैनी पीपल वर्क इन दिस फॉरेस्ट, और इधर में ढेर सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, जंगलों में काम करते हैं, आप लोग देखा होगा, तो वो भी एक क्या है, ऑक्यूपेशन है, वो भी एक काम है. सम ऑफ देम कलेक्ट गम एंड हर्ब्स, हर्ब्स तो हर्ब्स प्लांट जो होता है वो क्या करता है, गम, गम निकालने के लिए, आप लोग जो कॉपी चिपकाने के लिए, उसमें कवर चिपकाने के लिए क्या यूज़ करते हो, गम यूज़ करते हो, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, पौधा से मिलता है ना, हर्ब से मिलता है. तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग साइंस में पढ़ा होगा, सर्ब हर्ब. सर्ब क्या होता है, चपचे छोटा वाला प्लांट, हर्ब थोड़ा बड़ा वाला, ऐसे साइंस में आप लोग पढ़ा हो. तो ये जो रबर का प्लांट होता है ये किस में आता है, सर्ब में नहीं आता है, ये हर्ब्स में आता है, ठीक है. तो हम लोग को गम, सम ऑफ देम कलेक्ट गम एंड हर्ब्स, तो हर्ब से हम क्या क्या निकालते हैं, कोई कोई लोग उसमें से क्या निकालता है, हर्ब्स से गम निकालता है, यानी कि चिपकाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, आथा भी बोलते हैं, वो निकालते हैं. सम कट वुड, और कोई कोई लोग क्या करते हैं, लकड़ी के लिए काटते हैं, वुड मतलब लकड़ी पता है ना, तो लकड़ी काटते हैं जंगल में. कोई कोई गम निकालता है जंगल में, कोई कोई लकड़ी काटता है. एंड सम पीपल कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज, और कोई कोई लोग क्या करते हैं, रबर ट्री, आप लोग जो इरेजर यूज़ करते हो ना रबर, वो क्या से बनता है आप लोग को पता है, वो भी हम लोगों को पौधा से ही मिलता है, पेड़ पौधों से ही मिलता है हम लोग को. ढेर कितना ज़्यादा सामान, जितना भी सामान अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे सारे, जैसे पेपर भी हो, कुछ भी खाने का हो, सारे अभी आप लोग जाके देखो सब कहाँ से मिलते हैं हम लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम लोग को पेड़ पौधों से ही मिलता है. तो अभी ये रबर भी, रबर ट्री से क्या निकलता है, लेटेक्स, यानी कि रबर बनाने के लिए जो पेड़ से निकलता है, कुछ लिक्विड जैसा निकलता है, आप लोग यूट्यूब में या गूगल में सर्च करके देख सकते हो कि रबर पेड़ में ऐसे कुछ मटका लटकता हुआ, ऐसे पेड़ में ऐसे लटकते रहता है कुछ मटका, उसमें से वो पेड़ से जो आटा जैसा लिक्विड एक पदार्थ निकलता है, लिक्विड निकलता है, उससे क्या बनता है, रबर बनता है. आप लोग को देखने से आप लोग को पता हो जाएगा, आप लोग देख लेना सर्च करके. इधर भी ये पिक्चर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये देखा है ना, पौधे में ये लगाया हुआ है, तो इसमें से जो निकलेगा उससे जो पदार्थ निकलेगा उससे क्या होगा, रबर बनेगा. तो क्या होता है, ट्रीज इट इज़ यूज टू मेक रबर, तो ये हम लोग रबर के लिए यूज़ करते हैं. पीपल ऑल्सो मेक टिम्बर, फर्नीचर, वुडन बॉक्सेस, मैस्टिस बॉक्स एक्सेट्रा, और हम लोग को फॉरेस्ट से पीपल और क्या क्या ले करता है, टिम्बर यानी कि आप लोग देखा होगा लकड़ी जो हम लोग ये फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, घर में लगाने के लिए, उसे टिम्बर बोलते हैं. फिर फर्नीचर बनाते हैं, टिम्बर मतलब बड़े बड़े पिला, जो पहले हम लोग लकड़ी का वो लगाते हैं ना पिलर के लिए, पिलर बनाते हैं घर का, उसे टिम्बर बोलते हैं. फिर फर्नीचर, वुडन बॉक्सेस, काठ का जो बॉक्स होता है, उसके बाद लकड़ी का बॉक्स, मच्छिस बॉक्स, अपने तो ये देखा ही होगा, ये यूजली यूज ही होते रहते हैं, रेगुलरली यूज होता है मच्छिस बॉक्स. उसके बाद फ्रॉम द वुड कट फ्रॉम द फॉरेस्ट, और क्या होता है, फॉरेस्ट से हम लोग लकड़ी भी काट के लेके आता है. तो ऑक्यूपेशन बोलने से आप लोग को ये नहीं समझना है कि सिर्फ हम लोग पढ़ाने वाला या कुछ, मतलब ढेर सारे काम है इस दुनिया में. देखो कोई लोग जंगल में भी काम करता है, खेती में करता है, फार्म में करता है, दुकान में करता है, तो ये सारे जो होता है सब क्या है, ऑक्यूपेशन. तो अभी आप लोग को फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन मालूम हो गया. तो ये लोग जो जंगल में काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन. ये लोग मतलब फॉरेस्ट में काम करने वाले लोग, उन लोग क्या करते, उन लोग कोई भी फॉरेस्ट में काम करने वाले लोगों को आप पूछने से आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तभी उन लोग का ऑक्यूपेशन जो बताएगा वही ऑक्यूपेशन क्या है, फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन, यानी कि लकड़ी काटना, कुछ गम निकालना, ये सब फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन है. ये सब काम जो करते हैं उन लोग क्या काम करते हैं, फॉरेस्ट रिलेटेड काम करते हैं, ऑक्यूपेशन है.
देयर द पेपर वी यूज इज प्रोडक्ट ऑफ वुड। तो ये जो पेपर हम लोग का ये पेपर है, ये पेपर जो किसका प्रोडक्ट है, ये वुड का। आप लोग को पता है बेम्बू से ये पेपर बनता है। पेपर बनाने वाला मिल असम में भी है, ये मिल वो जागीरुड, असम का जागीरुड जो है उसमें पेपर बनाने का मिल था पहले, अभी शायद बंद हो गया होगा, लेकिन ये असम में भी था एक समय जहाँ पेपर बनता था, उस प्लेस का नाम है जागीरुड, असम का प्लेस है ये, उधर में पेपर बनाता था। व्हाट हैपेंड, इफ़ वी यूज द पेपर केयरफुली वी कैन सेव ट्रीज। अगर हम लोग पेपर को केयरफुली यूज़ करेंगे, वेस्ट ना करके अच्छा से यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करना है मतलब, हम लोग को अच्छा से यूज़ करने से क्या होगा, सेव ट्रीज, हम लोग ये ट्रीज को सेव कर सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को हम लोग बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा पेपर यूज़ वेस्ट कर दिया तो क्या होगा, फिर पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर पेपर खरीद के लाएंगे, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा, ज़्यादा ट्रीज कट होगा और उसके बाद ट्री सेव होगा क्या, नहीं होगा ना, इसलिए क्या करना है, पेपर को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग का होगा फिशिंग। ओके, आज के लिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं फिशिंग सिखाऊंगी। ओके बाय।